اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله النبي الامين وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون محترم ناظرین وسامعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته पिछली دروس में बात चल रही थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के لازمی تخाजे और ذرایع अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत का एक लाजमी तखादा ये हैं कि जिस किताब को अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत की रज्दो हदायत रहनुमाई और उनकी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल किया है उस किताब की इतबा की जाए उस किताब से सच्ची मोहब्बत की जाए और उस किताब से मोहब्बत का लाजमी तखादा ये हैं कि हम उसको पढ़ें उस किताब को पढ़ें उस किताब को समझें और उस परमल करते हुए उस पैगाम को अल्लाह के उन बंदों तक पहुँचाएँ जिन बंदों तक आज तक वो पैगाम नहीं पहुँचाए यही जिम्मेदारी थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने बहसीत रसूल नबी अल्लाह के नबी को सेलेक्ट किया इंतखा फ़रमाया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उम्मीदी थे ये कमाल हैं रबल का एक उम्मी रसूल को भेज कर अल्लाह ने अपना कमाल दिखाया नबी सा का कोई कमाल यहाँ पे नहीं था उतना अल्लाह का कमाल है कमाल कुदरत अल्लाह की है अवल व आखिर कमाल उसी के लिए हैं फिर भी अल्लाह ताला ने ऐसे अम्बिया को चुना जिन्होंने बहसीियत रसूल बहसीत इंसान व कमाल हासिल किया जो अल्लाह चाहता था इसी बात को समझना है अगर इसको हम समझें अल्लाह के जो हकूक़ हैं और प्यारे नबी से का जो मक़ाम है सही मानों में समझें इफ़रात और तफरी से हम बच सकते हैं तो बरहाल जिस रसूल को अल्लाह ताला ने भेजा और वही की शक्ल में जो किताब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी नबी आखिरी रसूल को अल्लाह ने दिया ये कुरान मजीद ये कुरान अदीम है ये फ़ुर्क़ान है जिसके कई नाम अल्लाह ताला ने जिक्र फ़रमाए ये किताब हदमातिन अल्लाह ने कहा ख़ास किया खिताब फिर आम अल्लाह ने हदलनास पूरी इंसानियत पूरी बशरीत के लिए अल्लाह ने रस्त व हिदायत का ज़रिया इस कुरान को अल्लाह ने बनाया मत तक आने वाले चाहे फ़ितने कितने हों गुमराह करने वाले कितने हो इबलीस कितनी कोशिश कर लें और उसके रास्ते पे चलने वाले जो भी हम कहें अल आखिर हों इस किताब के बारे में अल्लाह ताला ने कहा यह हिदायत का ज़रिया है जो भी इस किताब को पढ़ेगा इस किताब को समझेगा उसके दिल में ईमान दाखिल हो जाएगा चाहे उस पर अमल करे ना करे अलग मसला जो इस किताब को पढ़ेगा रब का कलाम है रब का जो है फरमान है रब की बातें हैं किसी और की बातें नहीं ये बातें हैं अगर ग़ैर मुस्लिम भी उसको पढ़े सुने उस पर भी यह असर करती है उसकी तासीर मौजूद है कितने सहाबा के बारे में हमने सुना उमर रदील्लु तला जुबैर बिन मतम हो ऐसे बहुत सारे सहाबा हैं जिन्होंने कुरान को सुनकर रब का कलाम जब दिल में बैठ गया उन्होंने इस्लाम कबूल की इसके बेशुमार कुरान के फ़जाइल अपनी जगह उसकी तासीरत अपनी जगह ये मोहब्बत अलाही का तदा यह है कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी का मनहज बनाने इस किताब को दिन का आगाज़ हमारा होता है नमाज से नमाज में कुरान पढ़ा जाता है इबादतों में अल्लाह ने वाजिब करार सूर फातिहा को ज़रूरी करार इसलिए दिया गया नमाज का अहम रुकन सुर फातिहा सत्रह रकत पाँच वक्त की जो नमाजें जिसमें सतराह रकतें बनती हैं हर रकात में सुर फातहा पढ़ना ये कुरान का अहम अहम जो है सूरह हैं अहम सूरत है कुरान मजीद की जिससे कुरान का आगाज़ होता है और दीगर जो भी सूरतें कुरान में मौजूद हैं उसकी फ़दायल अपनी जगह कुछ आयतें हैं जिसकी फ़दायल अपनी जगह लेकिन इस कुरान की अज़मत को साहबा ने समझा इस किताब कला में इलाही से सच्ची मोहब्बत की सहाबा ने प्यारे नबी सा आसम के मनहज को अपनाते हुए सहाबा ने शब वोज़ इस किताब से अपना रिश्ता जोड़ लिया अल्लाह से रिश्ता जोड़ना हम चाहते हैं उसका लाजमी ज़ाहरी तक़ाद आइए उसके कलाम से हम जुड़ जाएँ आज भी जो समझता है कि हम मनह से दूर हैं हर एक मनह से दूर होता जा रहा है हर एक को फ़िक्र होनी चाहिए लेकिन हमारी फ़िक्र क्या है हमारी आंख बंद होती है तो दुनिया की मोहब्बत दुनिया के असबाव को देखते हुए और आंख खुलती है तो कोई और मंज़र जो है हमारे सामने नज़र आता है पूरी दुनिया की खबर लेने के लिए अखबार या कुछ और या मोबाइल फ़ोन या उसके जो भी जराए हैं आज जिसका ग़लत इस्तेमाल हम कर रहे हैं कितनी अच्छी बात होती कि हम मनहज साहबा को अपना कर अपने दिन का आगाज़ इस कला में इलाही से करते नमाज़ की पाबंदी होती है हमारी ज़िंदगी में और रात में सोकर साहबा जो है ईशा की नमाज़ पढ़ के सुनत बाज़ लोग जल्दी जो है तहजद पढ़ के सोने से पहले फारि हो जाती थी और आँख बंद होती तो दुआ अस्कार, कुरान की तिलावत पर सुर आयतुलकरसी हैं तीनों कुल हैं आखिर के और सुर बकर की आखिरी दो आयतों पर सहाबा जो हैं अपनी आँख बंद करते थे सो जाते थे ये सहाबा का मामला था और अल्लाह के नेक बंदे आज भी मौजूद हैं जो मनहज सहा अपनाते को अपनाते हुए मनहज उस मनहज को अपनाते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं इस कला में से महबत कर सच्ची मोहब्बत है कि इस किताब को हम पढ़ें उसमें गौर व फिक्र करें उस पर अमल करें इसी तरह कुरान मजीद की तादीम करें खूब तिलावत सिर्फ़ तिलावत बराए नाम तिलावत ना हो तिलावत के भी फ़दाइल हैं उसके अपनी जगह लेकिन किताब को समझना है किताब को समझना है ये आज उम्मत का कि अक्सरियत हाफिज कुरान हज़ारों लाखों करोड़ों में मिलेंगे लेकिन कि इसको समझने वाले और विक्र करने वाले इस पर अमल करने वाले फिर इसकी दावत को आम करने वाले कितने हैं गिने चुने चंद लोग हैं जो सही मनहज को अपना कर जो हैं अमल कर रहे हैं वो सहाबा भी थोड़े थे और आज भी सही मानों में ग़ौर किया जाए अल्लाह के नेक बंदे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं लेकिन उनमें मुखलस हों जो सही अल्लाह के दीन पर चलने वाले हों अमली ज़िंदगी से जो है सही दीन को अपनाने वाले इस किताब से मोहब्बत करने वाले कितने हैं? कुरान को पढ़ने वाले बेशुमार हैं हाफिज कुरान बेशुमार मिलेंगे फ़ारगीन मदारिस से हर साल फ़ारिग हो रहे हैं फात कुरान लेकिन ऐसे भी हैं शिर की आयतें पढ़ते तो हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में शिर नज़र आता है ऐसे भी हैं जो सुन्नत इतबाही सुन्नत की आयतें पढ़ते हैं लेकिन मुखालफत उनकी ज़िंदगी में नज़र आती है और ऐसे भी हैं ऐसे ख़ारी जल्स ख़रात कुरान के लिए जो है करोड़ों रुपये खर्च करके कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाती हैं बड़े बड़े मशहूर कुर्रा क़ुर पूरेम इस्लाम से बुलाया जाता है ऐसे ऐसे लोग भी हैं जैसे मैंने कहा बिदत के खिलाफ हों मनहज के खिलाफ हों आयतें इतनी बेहतरीन अंदाज़ में पढ़ते हैं लगता है कि यही सही दीन पर चलने वाले वरना अमल देखें दीन से बहुत दूर हैं अल्ला अकबर दीन से बहुत दूर है। हैं इसीलिए प्यारे नबी साहब ने कहा वल कुरान हुज्जतन लक अलैक सही मुस्लिम की रिवायत कुरान या तो पढ़ने वाले के लिए पढ़ने वाले के लिए हजरत बनेगा उसके लिए गवाही देगा कल क़ियामत के दिन दुनिया में भी गवाही मिलेगी और उसके बरक्स जो कुरान को सही ना समझे कुरान पर अमल ना करें कुरान को सही उसके मनहज को ना समझते उस पर उस ज़िम्मेदारियों को ना अपनाएं, ना अदा करें और कहा यही कुरान अल्लाह अकबर सोचने वाली बात है थोड़ी देर के लिए गौर करें अल्लाह के नबी सा किसके बारे में कहा कि कुरान उसके खिलाफ हजरत होगा उसके खिलाफ दलील होगा उसके ख़िलाफ़ गवाही देगा किसके ख़िलाफ़ जो कुरान पढ़ता है लेकिन अमल नहीं करता तो उसका क्या अंजाम होगा जो कुरान को पढ़ता ही नहीं कुरान से उसको मोहब्बत ही नहीं क़ुरान से बहुत दूर हैं ऐसे कितने मुसलमान हैं कि रमज़ान में तो खसूस फ़जल होता है अल्लाह ताला का कितने अफाज हैं जो कुरान को रमज़ान में पढ़ते हैं दुनिया के हसूल के लिए कुछ पैसों के लिए अगर सच्ची मोहब्बत होती रोज़ाना हमारा शेड्यूल होना चाहिए जब उसने याद किया है रोज़ाना तीन साल या चार साल के अरसे में रोज़ाना पाबंदी से पढ़ा है सुनाया है ये आदत हमारी क्यों नहीं बनती ये आदत हमारी साल भर क्यों नहीं बनती नक्स है हमारे अंदर ऐब है हमारे अंदर सच्ची मोहब्बत नहीं अल्लाह से अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो उसके कलाम से उसके कलाम से भी हमें मोहब्बत होनी चाहिए उस, उस ये अजमत हमारे दिल में बैठ जाना चाहिए हमारे ज़िंदगी का रोज़ाना डेली शेड्यूल होना चाहिए कि जब तक तो कुरान नहीं पढ़ेंगे हम कुछ नहीं करेंगे यह होना चाहिए कि आज मैं नहीं सोऊंगा जब तक तो मैं कुरान एक आयत ही सही मैं पढूं उसको समझूं उस पर अमल करूं ये शार था हमारे सहाबा का ये मनहज था सहाबा का और आज याद करने का भी अलग अंदाज है सहाबा कहते अपने बारे में दस आयतें हम सीखते अमल करते समझते फिर आगे बढ़ते आज हैं पूरा याद करते हैं फिर उसको समझने के लिए दस साल आठ साल आलिम हाँ, फाजिल बनाने में एक सिस्टम ही मैं ऐसा लगता है साहबा ने इस सिस्टम पर अमल नहीं किया अगरचे कि मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ हालात के हिसाब से ऐसा किया गया हालात हमें मजबूर करते हैं को ज़िम्मेदारों को मजबूर करते हैं सिस्टम बनाने में लेकिन मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ लेकिन मनहज साहबा को अपनी अमली ज़िंदगी में लाएँ समझें इस किताब को ज़िंदगी बदल गई सहबा की बदल गई ज़िंदगी सहाबा की आज कितने बार हम सुनना चाहते हैं पता नहीं कितने कॉन्फ्रेंस हो कितने जलसे हो जिसमें प्रोग्राम हो दरस कुरान हो रोज़ाना लेकिन असर क्यों नहीं होता हमारी ज़िंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आती इनकलाब क्यों नहीं हमारी अमली ज़िंदगी में इनफरादी बहुत नक्स है हमारे अंदर इज्तमाही सतह पर भी देखें बहुत बड़ा आय हैं बहुत बड़ा नक्स है जो उम्मत मुसलिमा जो इस पैगाम को अगर हम गैर मुसलिमों तक सिर्फ पहुँचाए भी तो वो लोग कामयाब हो जाएँगे हम हैं कि पहुंचाना भी नहीं चाहते इस अमानत को हमने और अल्लाह का फ़दल करम है सबका किताबों की अल्लाह ने हिफ़ाजत तो नहीं की उनकी ज़िम्मे हवाले किया था इस किताब की अल्लाह ताला के खूसी फ़जल अकबर। चाहे हम इसको याद करें ना करें अल्लाह ताला ने इसकी हफ़ादत की ज़िम्मेदारी ली ना ना नजल्ला रहा हुआ इन्हादून ने कहा और आज की इसकी हिफाजत अल्लाह तै कर रहा है और इसकी हिफाज़त अल्लाह अकबर सीनों में जहाँ अल्लाह ने हिफाज़त की और आख की शक्ल में भी अजीब अजीब नुस्खे ऐसे ऐसी तहरीरें ऐसे ऐसे प्रिंट अल्लाह अकबर साहबा ने कितनी कुरबानियाँ दी हड्डियों पर दरख्त के पत्तों पर और कहाँ कहाँ उन्होंने लिखा कैसे हिफाजत की उन्होंने याद किया आज याद करने के कितने असबाब जराए हैं हम उसको भी नहीं अपनाते हमें फ़िक्र नहीं अपनी नजात की हमें फ़िक्र नहीं सच्ची मोहब्बत अगर अल्लाह से हो तो इन ये सब नखाइश ये सब अयूब हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएँ बरहाल खुला से कलाम ये हैं कि अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत का लाजमी तकादा है उसकी किताब से कौला व अमलन हम बोलते बहुत है ज़्यादा हैं लेकिन अमल हमारी ज़िंदगी में कम है बड़ा नक्श है हमारे अंदर दुआ है रबाल से कि अल्लाह ताली अपनी महब्बत उसके दीन से महब्बत उसके नबी रसूल सलील वसम की सच्ची महबत उसकी किताब की जो अज़मत है महब्बत है हमारे दिलों में बिठा दें अल्लाह ताली हर वक्त आना अल्लाहार जो अल्लाह ने कहा अल्लाह के नेक बंदों की सिफत दिन और रात में भी कुछ हिस्सा निकाल कर उसकी किताब को पढ़ने वाले अल्लाह हमें बनाएं ये कुरान हमारे लिए अल्लाह जदत बनाए अल्लाह ताली जो भी हमारे अंदर कोताहियाँ हैं अमली अल्लाह ताल उस नक्स को उस ऐब को दूर फ़रमाए हर किस्म के मुखालफ से अल्लाह बचाए जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे हालत ईमान पर ज़िंदा रखे खातिमा हो तो ईमान की हालत में हो اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته